experience from Abhi. Faryal? What I would say is, you know, my mom used to act here. My khala, Ruhi Bano, she used to act here. She was considered a legend. So, जो काम होता था और जो जिस लगन से जिस पागलपन से काम होता था वो मुझे करना था, वो चाहिए था. जो मैंने उनको करते हुए देखा है, जो मैंने अपनी माँ को करते हुए देखा है, यू नो. यस, आई एम नॉट अ कन्वेंशनल एक्ट्रेस. आई डू ड्रेस द वे आई वॉन्ट टू ड्रेस एंड आई स्पीक द वे आई वॉन्ट टू स्पीक एंड आई थिंक दैट्स फ्रीडम. And I think हर किसी के पास ये freedom होना चाहिए. And I think कि मेरी what I would bring to the industry is just freedom. Freedom of speech, freedom of being yourself, freedom of standing out, and just being completely free. Like आप अपनी सोच को आज़ाद करें थोड़ा, you know, जीना सीखें. Everyone, I feel like it's people who I speak to here, they're so suppressed, deprived, and I just wish and I hope that I can keep working for the Pakistani industry and bring a change in just like how people think, shayad, hopefully. जी, अब मैं उम्र के और करियर के जिस हिस्से में हूँ, अब तो रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे वाली सिचुएशन है. आई कैन नॉट रिलेट टू एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड. मैं इसी मिट्टी से ही जुड़ी हुई हूँ, मेरी कहानियाँ भी इसी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं. इसके अलावा हो नहीं सकता. उसकी वो सच्चाई बहुत इम्पॉर्टेंट है जब तक, और वो कहानी वही सच्ची होती है जो सोइल से आपकी जुड़ी हुई होती है. और मेरा मुझ पर वो दौर गुजरा है इनिशियली. पहले तो मैं कहना चाहूँगी आई फील वेरी प्रिविलेज टू बी हेयर, बिकॉज एक ये और एक ये मेरी दो हीरोइंस बैठी हैं. सनम ने मेरा पहला सीरियल तलखियाँ किया था. शी वॉज वेरी वेरी यंग, शी स्टिल यंग, वो बहुत ही छोटी बच्ची थी. एंड शी प्लेड अ मदर ऑफ टू चिल्ड्रन एंड शी वॉज वेरी ओके विद दैट. हिना वयात साहिबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं. तलखियाँ में बहुत अहम इनका किरदार, इनकी सपोर्ट हमारे साथ थी. तो इन लोगों के साथ मैंने ये काम शुरू किया. खालिद अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया उस सीरियल को. तो इन लोगों के साथ मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे तो आई वॉज़ वेरी प्रिविलेज्ड. और दे आर फिनोमिनल आर्टिस्ट, ये कोई छोटे लोग नहीं हैं. ये कुछ और तरह से सोचते और महसूस करते हैं. ये बहुत हसास लोग हैं, ये बहुत कीमती लोग हैं. बीच में ये दौर आता है कि आपको क्योंकि इतनी ठोकरें लगती हैं, इतनी रिजेक्शंस होती हैं, आपको दबाया जाता है क्योंकि आप कहीं सबवर्जन की बात कर रहे होते हैं एक वैल्यू सिस्टम की, तो आप अगेंस्ट द करंट जब चल रहे हैं तो धक्के तो लगेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे. लेकिन अब मैं जब देखती हूँ तो मैं बहुत सेलिब्रेट करना चाहती हूँ आज की हमारी टेलीविज़न स्क्रीन को. देखिए, बात बदल गई है. अब वो थप्पड़ वप्पड़ नहीं पड़ते, अब वो अब्यूज़ उस तरह नहीं दिखाया जाता. हो सकता है कि एस्थेटिकली इतना प्लीजिंग ना हो सकता है कि इतना इंटेलेक्चुअल ना हो, मगर नैरेटिव डेफिनेटली बदला है. बात अब सही क्या है उसमें ज़रा सा कन्फ्यूजन है. फेमिनिज्म को लेकर भी एक ज़रा सा कन्फ्यूजन है. प्लस देयर इज़ अ लॉट ऑफ एग्रेशन. मैं जस्टिफाइड समझती हूँ उस एग्रेशन को औरत के. उसने बड़ी मार खाई है भाई. अब ज़रा आप थोड़ा संभलिए, उसकी आवाज़ को सुनिए. मगर वॉइस मुझे लगता है औरत को मिली है, और वो सिर्फ टेलीविज़न से नहीं मिली, बहुत सारे आर्ट फॉर्म से मिली है. उन औरतों से जो सड़कों पर निकली हैं उनसे मिली है हम सबको. तो वो वॉइस तो इस्टेब्लिश हो गई है. फिर एक चेंज जो बहुत अच्छा आया है वो ये है, जैसे अभी मोहित ने रज़िया का जिक्र किया, आई एम करंटली वर्किंग ऑन अ सीरीज़ जो कि 8 एपिसोड की है फॉर आर लोकल चैनल. 8-8 एपिसोड्स की, 6-6 एपिसोड्स के सीजन्स अब आ रहे हैं. आई एम वर्किंग ऑन अ वेरी वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, जिस पे मेरे करीबी दोस्त, मेरे वेल विशेज़ ने मुझे कहा कि इसके बाद तुम कहाँ जाओगे. मत करो, मत करो, मत करो. बट आई सेड नो, आई थिंक कि मुझे ही करना चाहिए.
तो चेंज तो मुझे तो नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि बदल रहा है, और हम सब ने आप सब ने, हमारी ऑडियंस ने उसमें हिस्सा डाला है. यू बीन अ ग्रेट सपोर्टिव ऑडियंस. अगर हम रिजिलियंट हैं, आज भी हम यहाँ बैठे हैं, तो इस वजह से कि आप लोगों का हम साथ रहे हैं. एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और मुझे लगता है कि चेंज आए. मैं किसी का नाम नहीं कोट करना चाहूँगा. मैं एक क्रिकेट मैच में दुबई में था, तो मुझे बहुत बड़े दो प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स मिले पड़ोसी मुल्क के. तो वो कहने लगे मुझसे कि सारा टैलेंट तो आप लोग ले गए. मैंने कहा क्या मतलब इस बात का? तो कह रहे हैं सिंगर आपके पास, एक्टर आपके पास. मैंने कहा तो आपके पास भी तो है. कह रहे नहीं नहीं, जिस लेवल की परफॉर्मेंस आप लोगों की होती है, आपके सिंगर्स की होती है, वो तो कहीं नहीं होती. तो मैं सोचता रहा इस बात पर कि ये कैसे मुमकिन हुआ. तो पाकिस्तान में एक क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए बड़ा सप्रेशन है, और जब वो कोयला भट्टी में पकता है तो वो ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहता है उसमें. एट टाइम्स हम ओवर भी हो जाते हैं एक्सप्रेस करने में. लेकिन ये कोयला भट्टी में बहुत ज़्यादा पक गया है. अब भट्टी गया तकरीबन, लेकिन अब वो जो कोयले को हीरा बनना चाहिए उसके लिए स्पेस की ज़रूरत है. वो स्पेस हम उसका तायुन करने में ही कहीं लगे हुए हैं. मर्दों पे बेस होते हुए सीरियल्स भी हमने देखना शुरू कर दिए हैं. हमने जिस तरह कहा कि इन्होंने, अभी गुल ने कहा कि जी वो अब थप्पड़ से बात आगे बढ़ गई है. बिल्कुल बढ़ गई है. एम्पावर्ड औरत ज़रूरी नहीं है कि वो ख़ास तरह के कपड़े पहने तो एम्पावर्ड होती है. वो एक कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत भी हो सकती है. हम अपने थोड़ा सा, हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह जो स्टार होते हैं, फॉर एग्जांपल ईदी साहब या जहांगीर खान या वसीम अकरम की जिद्दोजहद, शोएब अख्तर की जिद्दोजहद, हमारे स्टार्स, हमने उस तरह स्नूकर चैंपियंस, इन लोगों के बारे में हम बात नहीं करते. तो कहानियों को इस तरफ भी लाना चाहिए, बेशक 6-8 एपिसोड की कहानियाँ हों. और अब चूँकि आपने निशानदेही कर दी कि खालिद अहमद यहाँ बैठे हुए, तो मैं हमेशा ये बात जिक्र करता हूँ कि अगर खालिद साहब ने मुझे टेलीविज़न में पहला मौका ना दिया होता तो आज मैं इस कुर्सी पर ना बैठा होता. तो अस्सलाम वालेकुम. मुझे तो खालिद साहब ने डांटा था और कहा, स्क्रिप्ट उठा के फेंकी थी और कहा था, क्या आप समझती हैं कि ये सिनेमा, ये यूरोपियन सिनेमा है जो आप ये लिख कर लाएं? एंड देन ही केप्ट ऑन डायरेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल माई सीरियल्स. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतनी इज्जत और प्यार पाकिस्तान से ही मिला है. एक नाम बना, एक करियर पाथ. आई वॉज एबल टू परस्यू माई पैशन लिविंग एंड बींग हियर, बींग अ पाकिस्तानी. आई जस्ट होप टू थ्रू आर वर्क हमारी यूथ को इंस्पायर करना चाहती हूँ, उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ, एक रोल मॉडल उनके लिए बनना चाहती हूँ. क्योंकि वी ऑल ग्रू अप, आई एट लीस्ट ग्रू अप विद रोल मॉडल्स. आई वॉज इंस्पायर्ड बाई पीपल, आई लुक्ड अप टू उनसे सीख के, उनसे इंस्पायर होके मैं अपनी चॉइसेस को शेप करती थी. तो मैं किसी ना किसी तरीके से अपने काम के थ्रू ही एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, जिससे हमारी जो ख़ासतौर पे लड़कियाँ हैं, बट इवन यंग बॉयज़ एंड वुमेन एंड मैन, एवरी वन, आई होप टू शेप देयर पर्सपेक्टिव एंड गिव देम सम सॉर्ट ऑफ होप थ्रू एक्टिंग, थ्रू स्टोरी टेलिंग, बिकॉज इट इज़ सच अ पावरफुल मीडियम, लाइक आई कीप सेइंग. And that's it. I'm proud to be Pakistani. I'm proud to be here, and I'm proud for all the love that we get, and I hope to give that back. Thank you.